टू टाइप की गवर्नमेंट है, पहला डेमोक्रेसी, दूसरा मोनार्की। डेमोक्रेसी में होता है कि लोग गवर्नमेंट को चुनते हैं, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद जो जीतता है वो होते हैं। इसमें लोग देते हैं पावर गवर्नमेंट को कि वो काम करे, गवर्नमेंट जीतती है, जीत के जो लोग हैं उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, तो लोगों ने ही उन्हें पावर दी है, तो ये डेमोक्रेटिक हो गई। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन, उस जो भी फैसले ले रहा है वो लोगों को सेटिस्फाई उसे होने चाहिए। लोग ऐसे ही कुछ भी नहीं फैसले ले लेगा। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पीपल इलेक्ट करते हैं अपना लीडर को, जो इलेक्शन होता है उसमें, जो इलेक्शन होता है, चुनाव जीतता है वो गवर्नमेंट बनाता है, गवर्नमेंट जो बनाता है वो फैसले लेता है, पर फैसले ऐसे होने चाहिए कि लोग उसके अगेंस्ट ना हो। तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। सेकेंड टाइप है मोनार्की। मोनार्की का मतलब किंग, राजा या रानी जो रूल करते हैं, तो वो खुद फैसले लेते हैं और उनके वो ने फैसले अपने डिफेंड भी नहीं करने होते हैं, मतलब उनसे कोई जवाब नहीं पूछने वाला, पूछ नहीं सकता। तो मोनार्क में है द पावर टू मेक डिसीजन, के पास पावर है डिसीजन लेने के लिए, उन्हें जो करना है उसे एक्सप्लेन करने की किसी को जरूरत नहीं क्योंकि तो राजा है। बट इनके पास स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो जिसके साथ ही डिस्कस कर सकते हैं। तो ये टू टाइप की गवर्नमेंट होगी, डेमोक्रेसी और मोनार्की। मोनार्की में राजा का ही काम चलता है, डेमोक्रेसी मतलब इनडायरेक्टली लोगों द्वारा चलाई जाती है।